वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम रियाजी मज़मून के तहत कौन सा सबक पढ़ रहे हैं? हिंदसी अमल। इस सबक में हमने पहले देखे के परकार की मदद से, चांदे की मदद से और गुनिये की मदद से किस तरह से उमूद खींचा जा सकता है। अब हम अमली काम के ज़रिए कागज़ की तह कर हम उमूद खींचना सीखेंगे। सबसे पहले एक कागज़ लीजिए। उस कागज़ पर एक खन खींचिए। इस खत को नाम MN दीजिए। इस खत के बाहर कहीं भी एक नुक्ता पी लीजिए। अब हमें खत MN दिखाई दे, इस तरह से कागज को MN पर तह कीजिए। हमें खत दिखाई देना चाहिए इस तरह से। हाँ, खत दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अब कागज़ के नुक्ते पी पर, नुक्ता पी कौन सा है, उस पर मज़ीद एक तह इस तरह से कीजिए कि एक बाजू में मौजूद खत MN का एक हिस्सा दूसरी जानिब मौजूद खत MN के हिस्से पर मुंतबिक हो जाए। अब उस तह को खोल दीजिए। दोनों तहों के नुक्ते तकाते का नाम क्यू रखिए। जहां पर वो कटा हुआ उसे क्यू नाम दीजिए। अब खत पी क्यू खींचिए। स्केल की मदद से पी और क्यू को मिला लीजिए। ये देखिए, गौर कीजिए कि ये खत जो हमने तह किए उसी पर ये खत बना है या नहीं। हाँ जी हाँ। अच्छा, अब चांदी की मदद कीजिए और बताइए कि वो कितने दर्जे के जाविये है। 90 दर्जे का। उसी तरह से नीचे के भी जाविये अगर हम चेक करेंगे तो वो 90 दर्जे के ही जाविये होंगे। यानी खत पी क्यू खत MN पर उमूद है। यहाँ हमने क्या खींचा? खत MN पर खत PQ उमूद खींचे। वेरी गुड।